रहा तब भी लेके रख लेंगे। अभी थोड़ा सा स्पीड भी चेक करते हैं। देखो तो आज का एक्चुअली मॉर्निंग राइड का सीन ऐसा है कि हम लोग यहाँ से ना वुडीज जाने वाले हैं, ग्लव्स व्लव्स पहन लेते हैं। सो मी एंड माई वाइफ, हेलो। तो यहाँ से कुछ सीन ऐसा है, यहाँ से हम लोग छोटा सा राइड का प्लान बन गया एक बार नॉर्थ ईस्ट राइड होने से पहले। तो वुडीज जाने वाले हैं आज, वुडीज। तो वुडीज काफ़ी बाइकर्स का फेवरेट लोकेशन है, जो कि है कोलार रोड पे। अक्सर करके जाते रहते हैं हम लोग। ये वाला मैंने थोड़ा सा टैंक बैग इसलिए ले लिया है ताकि इसको टेस्ट कर पाएँ आज राइड पर जाने से पहले। एक बार थोड़ा सामान टेस्ट होना भी ज़रूरी है। मोटोटेक का तो मैंने ऑलरेडी कैरी करके उसको राइड पे लेके गया था, तो विद इन द सिटी मैंने चेक कर लिया कैसा है। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। व्हाट्स अप गाइस, दिस इज विकेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो ना जो फाइनली नॉर्थ ईस्ट राइड का जो दिन है ना, वो आ गए हैं पास। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं राइड ऑन 25th। तो 25th को हम लोग यहाँ पे इवनिंग में निकल रहे हैं और 4:30 का फ्लाइट है, तो होपफुली भाई 1 o'clock हमें निकलना पड़ेगा। हम 1 o'clock निकलने पे ही पहुँचेंगे हम लोग टाइम पे वहाँ पे, एंड देन उसके बाद हम फ्लाइट पकड़ पाएंगे। एंड 104 का रेंज दिखा रहा है, वैसे चल जाना चाहिए वहाँ तक। तो यहाँ से जो वुडीज़ का डिस्टेंस है ना, दैट इज़ अराउंड 73 किलोमीटर्स, तो ज़्यादा नहीं है, वैसे छोटा सा राइड रहता है। और वैसे भी आज वाला राइड है ना, जैसे लास्ट वीक हम लोग गए थे सामूहिक वैलेंटाइन में, तो सामूहिक वैलेंटाइन में ऐसा सीधा सब कपल्स आ रहे थे, तो उनके बच्चे भी आ रखे थे। कपल वाला राइड है आज, तो कपल सब कपल आ रहे हैं। तो जितने भी हम लोग बाइकर्स क्लब में हैं, मतलब जो हम लोग साथ में राइड करते हैं, और ऑलमोस्ट सारे ही जो आज आने वाले हैं सभी हम लोगों के जो नॉर्थ ईस्ट राइड है ना, वहाँ पर जा रहे हैं। कल 20th है एंड हम लोगों को बाइक सारी शिप करा देनी रहेगी। तो हम लोगों का प्लान ऐसा है कि जो राइडिंग जैकेट है, बूट्स है, लगेज है, एंड बाकी होपफुली टैंक बैग और ये सब भी, तो ये हम लोग शिप करा देंगे। तो क्योंकि उससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि हम लोगों को मैक्सिमम सामान जो एक्चुअली राइड में यूज़ होने वाला है, वो सारा हम लोगों को बाइक के साथ में मिल जाएगा। एंड हम लोग इधर 25th को यहाँ से निकलेंगे और 26th को हम लोगों को गुवाहाटी से राइड शुरू हो जाएगी। तो गुवाहाटी से हम लोगों का पहले प्लान ऐसा है कि वहाँ से हम लोग जाने वाले हैं मेघालय, चेरापूंजी और वो सारा एरिया। एंड उसके बाद में हम लोगों का नेक्स्ट जो प्लान है वो है बूमला, तवांग, सेला पास, मतलब ये सारा सीक्वेंस में नहीं बताया मैंने, बट जो भी राइड प्लान है आप लोगों को ना शेयर कर दूंगा मैं। तो जो भी राइड प्लान है आप लोगों को शेयर कर दूंगा इंस्टाग्राम पे। तो अगर इंस्टाग्राम पे अगर नहीं फॉलो करते भाई लोग, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया करो। मतलब इंस्टाग्राम पे फॉलो करोगे तो आप लोग जो भी स्टोरीज है ना, वो सारी पहले ही अपडेट में मिल जाएगी। तो जहाँ भी जा रहा हूँ, जहाँ पे रुक रहा हूँ, हर चीज़ पता लग जाएगी। तो उससे क्या है ना, अपन लोग एक मीटअप भी प्लान कर सकते हैं छोटा सा। ये जो इंस्टाग्राम की आईडी आ रही है ना, यहाँ पे लिखी हुई विकेट राइडर ब्लॉग्स, तो इस पर जाके फॉलो कर लो। और बहुत सारा कंटेंट मतलब डालते रहते हैं, भरमार हो जाती है, प्यारे प्यारे कमेंट ड्रॉप कर दिया करो, मज़ा आ जाता है। चुके हैं बैंगलोर के थोड़ा सा बाहर, मतलब पूरा बाहर नहीं है अभी भी। तो यहाँ पे देखो पूरा क्लाउड हो रखा है, मस्त एकदम सूरज छुप चुका है क्लाउड से यार, बट मस्त लग रहा है यहाँ पे। अभी हम लोग यहाँ से बैंगलोर से बाहर आ चुके हैं और होसकोटे टोल में ज्वाइन करने वाले हैं। वैसे तो अपने साथ में बाकी जितने सारे राइडर्स से निकल गए, मेरा एक अलार्म बजा था 5 बजे, और 5 बजे के बाद मैंने जो एक बार बंद किया, उसके बाद सेकंड वाला बजा ही नहीं। सीन हो गया मेरे साथ आज पहली बार। तो ऐसा कभी नॉर्थ ईस्ट वाली राइड वाले दिन नहीं होने चाहिए यार, सारे निकल जाएंगे और मैं रह जाऊँगा। अभी एक्सपेंस की बात कर लेते हैं, कुछ थोड़ा सा मतलब की बात हो जाएगी आप लोगों के लिए भी। तो हम लोग यहाँ से जब बाइक बैंगलोर से शिप कर रहे हैं, तो उसका प्राइस हम लोगों को लग रहा है 2.6 लाख, जो कि जिसमें कि हम लोग भेज रहे हैं 8 बाइक्स। तो 3 मतलब बड़ी बाइक्स हैं, जैसे मल्टी स्टार्टर वर्सेस 1000 और मतलब ती, और उसके अलावा 4-5 मतलब सुपर बाइक्स हैं। एंड उसके बाद में एक एरोक्स है ब्लू वे का, एंड एक जा रही है इंटरसेप्टर। तो मतलब टोटल इतना बाइक्स हैं, 8 बाइक्स हैं टोटल।
एंड 2.6 लाख पड़ा था, वो एक्सपेंडिचर पर हेड हम लोगों को 35,000 का पड़ा है, जिनका कम सीसी का बाइक्स है। तो बेसिकली हम लोगों ने ऐसा कर दिया कि एडजस्ट कर दिया कि अगर वो वहाँ पे जाके रेंट लेते तो उनको कितना प्राइस पड़ता, और सेम अमाउंट में हम लोगों ने इधर पे डाल दिया ताकि हम लोगों को भी कम पड़ जाए, क्योंकि हम लोग ऐसे सिर्फ 6 जने हो रहे थे जिनके पास में सुपर बाइक्स था, तो उसके हिसाब से हम लोगों का एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा पहुंच जा रहा था एंड 45,000 के अराउंड का पर हेड पड़ रहा था। अभी देखो, अब ये वाला जो लगेज सिस्टम है ना, इसके मैं बात कर रहा था। तो अभी मैंने जैसे जीवी का दिखाया, आप लोगों ने पिछले कुछ वीडियोज़ में देखा होगा कि मैंने जीवी का जो बैग का इंस्टॉलेशन है वो अपने आप से कर दिया, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। जो मेरे पास में एक क्लैंप किट था, जो कि मेरे को बेसिकली 3 नट लूज़ किए मैंने, उसके बाद में मतलब क्लैंप किट डाल दिया एंड उसके ऊपर ये बेसिकली मेरा बैग फिट हो जाता है ईजिली। तो देखो, मतलब कुछ भी वाइब्रेशन नहीं है, आराम से मतलब टिका हुआ है बैग, एक भी मतलब हल्का बहुत वाइब्रेशन होगा बट क्योंकि टैंक पे है तो उसकी वजह से ना वो भी चीज़ नहीं पता लग रही है। तो मेरा जो भी छोटा मोटा गैजेट्स है ना, जैसे कि थोड़ा सनग्लासेस हो गया या फिर कैमरा हो गया, मैंने तो कल टेस्ट करके देख लिया। एक बार जब राइड स्टार्ट होगी ना, आप लोगों को एक बार और दिखा दूंगा। तो आगे आने वाले ब्लॉग्स को देखते रहना, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, तो आप लोगों को पता लगते रहेगा कि किस हिसाब से नॉर्थ ईस्ट राइड प्लान करनी है एक सुपर बाइक में, क्योंकि मैं टूरर नहीं लेके जा रहा हूँ, टूरर में रहता तो पैनियर्स और टॉप रैक में काम हो जाता है। हम लोग यू टर्न लेके पहुँच चुके हैं वुडीज अपना, और बाकी सारे बाइकर्स पहुँच चुके हैं हम लोगों से पहले। वो देखो पूरा जत्था बैठो सारे लोग बैठे हुए, तो बाइक वाइक अपनी पार्क कर देते हैं। ये देखो कितने लोग आए हैं भाई। देखो इसको निकालना बड़ा इजी है, इसको यहाँ से बस खींचना है और ये निकल आया। यो इजी जॉब, और इंस्टॉलेशन भी काफ़ी इजी था, आई लाइक इट। मतलब ऑलमोस्ट मैंने 100 किलोमीटर्स के ऊपर राइड किया शॉर्ट सा, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। हम लोगों का ना खाना पीना हो चुका है, ब्रेकफास्ट के लिए आए थे, छोटा सा राइड था बट मज़ा आ गया। एंड खाना वाना ऑब्वियसली नहीं दिखाया, क्या तो भर भर के खाया मतलब। तो अभी सीन कुछ ऐसा है, बाइक्स वाइक्स अपने लाइनअप सारा यहाँ पे हो रखा है एंड उसके बाद में चलेंगे यहाँ से निकलेंगे। बट ये वाला मस्त करा दिया आपने, ये फोम कराया ना? फोम नहीं, यहाँ ये कुशन था थोड़ा कंफर्टेबल। ओके, अच्छा ये ऑलरेडी इतना ऊपर था क्या? यू नेवर टेस्ट रोड ना ना ना। हाँ एक मिनट मैं इसको लगा देता हूँ पहले। सही है, आ जाओ राइड लेके आते हैं, बैठो बैठो। चलो लग तो मस्त रही है, एक बार टेस्ट राइड लेके आते हैं। सही में नहीं भी रहा तब भी लेके रख लेंगे। ओए होए मजा आ रहा है यार। ओ शिट, फिर से वेरी कंफर्टेबल। मतलब देखो इतना, एक तो स्पीड अच्छी खासी बढ़ा रखी है बट तब भी ना ये इसकी वजह से बिल्कुल भी नहीं पता लग रहा है वाइजर की वजह से, और ऐसे करके चलाओ तो भाई मज़े ही है। तो दिस इज़ द बेस्ट आई थिंक, मतलब कि आप लोगों को जो राइडिंग कंफर्ट है वो भी मिल जाता है। एक तो लॉन्ग राइड में आराम से खींच सकते हो, और ऊपर से आप लोगों को जो भी है बिल्कुल पीछे पिलियन भी आराम से बैठ सकता है, तो बहुत मतलब अच्छी इन्वेस्टमेंट है। तो इनलाइन 4 की पावर चाहिए और उसके साथ में टूरिंग भी करनी है, सो दिस इज़ द बेस्ट। मतलब बहुत मज़ा आ रहा है यार, मतलब लॉन्ग राइड तो अभी खैर की नहीं है बट ओवरऑल जो है ना बहुत मज़ेदार चीज़ है, और ऊपर से विंड नॉइस भी नहीं आएगा गोप्रो में, दैट इज ऑल्सो गुड। अभी थोड़ा सा स्पीड भी चेक करते हैं, देखो जबरदस्त यार। ये देखो मतलब इवन थोड़ा सा ऊपर नीचे का भी है ना कंफर्टेबल है,
इजी टू राइड, मतलब कावासाकी के इंजन की स्मूथनेस और मस्त वाला मतलब फीचर्स हर चीज़ है। क्रूज कंट्रोल भी है आई थिंक सो, इसमें देखो यहाँ पे ये वाला बटन से क्रूजिंग स्पीड सेट हो जाती है। मज़ा आ गया। जबरदस्त है बटे, बहुत कंफर्टेबल है। यही ले लो। यही वाली ले ले। एक्सचेंज करनी है। हाँ। जो जो है ना वो आयरन आया था उसने। कौन सा पुणे में है क्या कोई? कितने में बेच रहा है? वो 11.50 बोला था। इज़ रेडी टू गिव इट एट 11। 4000 किलोमीटर ही चला है। ओह, कौन सा मॉडल है वो? चलो चलो। कितना मॉडल है? हाँ, कौन सा मॉडल है? चलो फिर यहाँ से निकलते हैं, पेट्रोल वेट्रोल पड़वाते हैं क्योंकि ब्लिंक करने लग गया अभी तो। बैठो। अरे यार ये चीज बहुत यूजफुल लगी, अगर आप लोग खरीदना है तो जीवी का टैंक बैग खरीद लो या फिर एक SW मोटोटेक का आता है और एक और एक हैपको बैकर का आता है। ये तीन ब्रांड्स हैं जिनका बहुत ही मतलब इजी क्लैंपिंग वाला सिस्टम है मतलब टैंक बैग का, तो बहुत इजी पड़ जाता है। तो आप लोगों को कभी भी इशू नहीं आएगा कि मतलब सर ठीक है मतलब ये जिसमें भी जो भी गैजेट वैजेट रखोगे ना तो आराम से रख सकते हो। तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग वापस और आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे समाप्त। अगर आप लोग ब्लॉग पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, चैनल को एक प्यारा सा कमेंट कर देना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।